हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 81 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट सीरीज भी चलता है पटना में BSC अकेडमी राजेंद्र नगर ब्रांच और बोरी रोड ब्रांच में। तो जो लोग इस टेस्ट का पास्ट पार्ट बनना चाहते हैं, बैंकिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके पार्ट बन सकते हैं। बिल्कुल ही नए तरह के सवाल, मॉडरेट लेवल के सवाल इसमें दिए जाते हैं। अब सवाल क्या है हमारा, ए मैन सोल्ड हिज ओल्ड कार एंड डिवाइडेड द मनी रिसीव्ड एमंग 3 सन्स ABC इन द रेशियो 5:4:6। ठीक है, 5, 4 और 6 के रेशियो में पैसा को बांट देता है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे लेट आदमी के पास कितना पैसा था, टोटल 6, 4, 10, 5, 15, उसके पास टोटल 15 रुपये था। ठीक है, 15x रुपये था। तो वो ए को दिया कितना, 5x दिया, बी को कितना दिया, 4x दिया, और सी को कितना दिया, 6x दिया। ठीक है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस फ्रॉम देयर शेयर, अपने शेयर से ए बी बिजनेस स्टार्ट करता है। एंड सी ज्वाइंट देम आफ्टर 4 मंथ, और 4 महीनों के बाद कौन ज्वाइन करता है, सी ज्वाइन करता है। ठीक है, आफ्टर विच ए एंड बी विड्रो 10,000 and 8,000 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द बिजनेस। 4 महीने के बाद सी आता है, और उसी 4 महीने के बाद क्या होता है कि ए और बी 10,000 और 8,000 क्रमशः अपने बिजनेस से निकाल लेता है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ए के लिए ए था सबसे पहले 5x, 4 महीने तक रहा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ए 10,000 निकाल रहा है, यानी कि 5x में कितना निकाल दे रहा है, वो 10,000 निकाल दे रहा है। ठीक है, 10,000 जब निकाल दे रहा है, तो पूरे 1 साल की बात हो रही है, एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो 4 महीने ये हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 8 महीना। ठीक है, बी 4x है, कितने दिनों के लिए, 4 महीनों के लिए, फिर प्लस में 4x माइनस में कितना, 8,000। ठीक है, कितने दिनों के लिए, 8 महीनों के लिए, यहाँ पे मैंने 8 महीने इसके लिए इसमें भी लगा दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, सी आता है कब, 4 महीने के बाद सी आता है। सी जब 4 महीने के बाद आता है, आफ्टर बी सी 4 महीने के बाद जाता है, तो सी कितना रुपया लेके आ रहा है, सी लेके आ रहा है हमारा 6x रुपीज। ठीक है, और टोटल 1 साल के बात हो रही है, तो 1 साल में क्या हो रहा है हमारा, 4 महीने के बाद जब आया, तो ये कितने दिनों के लिए रहेगा, 8 महीने के लिए। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 8। अब आगे क्या बोला है सवाल में, दे हायर्ड अ मैनेजर एट 2,000 per month। ठीक है, 2,000 रुपये प्रति महीना के दर पे उसे हायर किया गया फॉर देयर बिजनेस, बिजनेस के लिए, टू होम ओनली बी एंड सी पेड फ्रॉम देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के अंत में बी और सी मिल के दोनों बराबर बराबर उसको पैसा दिया, तो 2,000 के हिसाब से 12 महीनों में उसे कितने पैसे दिए गए होंगे, 24,000 रुपये दिए गए होंगे, जिसको बी और सी दोनों मिल के दे रहा है, कहाँ से, अपने प्रॉफिट से, यानी बी भी दे रहा है 12,000 और सी भी दे रहा है कितना, 12,000, यानी कि टोटल दोनों कितने कितने रुपए दे रहे हैं बराबर, यानी कि 12,000 रुपये। ठीक है, इफ सी गेट्स 48,000 प्रॉफिट शेयर आफ्टर पेइंग टू मैनेजर, मैनेजर को देने के बाद उसको 48,000 रुपये मिल रहा है, यानी कि 48,000 रुपये और उसको मिल रहा है मैनेजर को देने के बाद बच रहा है, तो यानी कि टोटल उसको कितना मिला था, वो तो जो 12,000 रुपये दिया था वो तो अपने प्रॉफिट शेयर से ही दिया था, यानी कि टोटल उसको और मिला होगा, कितना टोटल हो गया उसका प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हो गया 8, 2, 10, 4, 1, 5 और 1, 6, यानी कि उसको 60,000 रुपये सी को टोटल प्रॉफिट मिला है। ठीक है, अब बोल रहा है इफ सी गेट्स 48,000 प्रॉफिट आफ्टर पेइंग आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ कितना, 177,000, 1,77,000 के बाद 1,77,000 के टोटल प्रॉफिट में सी को कितना मिला, टोटल 60,000, 48,000 तो शेयर से मिला। ठीक है, और 12,000 रुपया जो दिया था वो भी प्रॉफिट का हिस्सा था, यानी कि टोटल कितना मिल रहा है, 60,000। फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय मैन, मैन ने कितना मनी रिसीव किया था, ये यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 15x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसी को मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से देखो 4 से ये 2 बार में, यहाँ से भी 4 से ये 2 बार में, ठीक है, और यहाँ भी ये 2 बार में खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x गुना जब 2 करूँगा तो 10x, यानी 5x के साथ जब जोड़ देंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 15x, फिर ये माइनस में हमारा 10,000 यानी कि गुना 2 करेंगे जब, तो माइनस कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम लोग यहाँ से 4x रेशियो में ही, यहाँ क्या रेशियो है हमारा, 4x और 4x इंटू 2 जब करेंगे तो ये हमारा 8x हो जाएगा, यानी 8×4 कितना हो गया, 12x। ठीक है, फिर माइनस 8,000 इंटू 2 यानी कि कितना, 16,000, और फिर यहाँ से हमारा रेशियो हो जाएगा 6x इंटू 2 यानी कि 12x। ये हमारा ए बी और सी का रिस्पेक्टिव रेशियो है। ठीक है, किसका है, ए बी और सी का रिस्पेक्टिव रेशियो है। अब क्या बोला था, सी को जो मिल रहा है 60,000, तो हम सी को ही यहाँ पे उठाएंगे, सी हमारा कितना हो जाएगा, 12x, सी का शेयर निकालने के लिए 12x बटा में क्या हो जाएगा, टोटल,
टोटल जब ऐड करेंगे तो ये तीनों को ही मुझे ऐड करना, तो सबसे पहले एक्स वाला टर्म ऐड कर लेते हैं, 12x 12x 24x 24x और 15x, कितना हो जाएगा हमारा 39x, 39x मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस में 20,000 और माइनस में 16,000, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे जब, तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस में 36,000। ठीक है, ये क्या निकला, सी को जितना मिला और बटा में टोटल, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी लिख देंगे, सी को कितना मिला टोटल 60,000 रुपये मिला और बटा में टोटल प्रॉफिट कितना था 177,000। यहाँ से हमारा 30 और 30 तो यहाँ से ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, 3 से जब काटेंगे इसे तो 20 बार में, और 3 से जब इसे काटेंगे तो यहाँ से कितना बार में 59 बार में। ठीक है, और भी हम चाहें तो काट सकते हैं, यहाँ से 2 से इसे भी काट सकते हैं। चलिए इसी को जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, इसी को जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व ही करना है अब लिटरली इसे, तो जब सॉल्व करेंगे फर्दर, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। जब एक्स की वैल्यू 10,000 आ जाएगी हमारे यहाँ से, तो हमसे पूछा था क्या, फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय मैन, मैन को कितना मनी रिसीव हुआ था, 15x, यानी कि 15x की मुझे वैल्यू निकाल देनी है। एक्स की वैल्यू 10,000 है, यानी कि 15 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10,000, यानी कि 15 इंटू जब 10,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 लाख, 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो कितना है, 1.5 लाख है। होप आप लोगों को ये क्लियर हो।